गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। टाइम हो रखा है सुबह सुबह का 5 और अभी मैं हूँ लालगढ़ जंक्शन, यानी जो कि बीकानेर के बिल्कुल पास में है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह वहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ रुणेचा। रुणेचा यानी रामदेवरा, जहाँ पर बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है वहाँ पर। और मेरे साथ मेरे दोस्त भी है, तो मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। तो मैं घर से चला था रात को, गांव से ट्रेन थी 9 बजे की, उसमें तो रात को तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, गाड़ी का अंधेरा भी था और बनाने का टाइम भी नहीं मिला। तो मैं अभी यहाँ लालगढ़ पहुँचा सुबह 3:54 बजे के लगभग पहुँचा। गांव से मैंने ट्रेन लिया हनुमानगढ़ जंक्शन का, हनुमानगढ़ से फिर मैं पहुंचा लालगढ़, और यहां से मैं ट्रेन एक और लेनी है जो कि सीधा रामदेवरा जाएगी, ठीक है। तो उस साइड में मेरे दोस्त लोग खड़े हैं, मैं आपको उनसे मिलाता हूं कि मेरे साथ कौन कौन आया है। ये भाई लालगढ़ का रेलवे स्टेशन, और ये मेरे साथी राजेश, और उसको तो जानते हो नरेश कुमार। हेलो, ये भाई सुरेश कुमार जो फोटो ले रहा है गाड़ी का, ठीक है। देखो सुबह से को माहौल है, ठंड ठंडी हवा चल रही है पूरा, अभी दिन हुआ तो नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रखा है। भाई बैठे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन का तो काफ़ी टाइम है, कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा ही होगा। और पहले तो मेरा कोई आने का जैसे प्लान नहीं था, जो राजेश जिससे मैंने अभी आपको मिलवाया उसने मेरे को कॉल किया, पहले उसका जाने का प्लान था। तो उसने मेरे को कॉल करके बोला कि भी मैं जा रहा हूँ रामदेवरा, चल रहा है साथ में। तो फिर मैंने इसको पूछा, इसने बोला ठीक है चलते हैं, तो हमने भी फिर प्लान कर लिया। बाबा रामदेव का हुक्म हो गया हमारा भी, जा रहे हैं भाई वहाँ का भी आपको रामदेवरा के बारे में बताएंगे, जिसकी हम वहाँ पर जाके वीडियो बनाएंगे, और दूसरी वीडियो में उसका जो रामदेवरा है वो आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। और हम जिस ट्रेन में आए थे वो ये ट्रेन है, और ये ट्रेन पता है आपको कहाँ से आई है? आपको तो नहीं पता होगा, फिर भी बता देता हूँ मैं, ये ट्रेन आई है आसाम से। देखो आसाम से राजस्थान लालगढ़ तक कम से कम ये शायद 2000 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी तय किया हुआ है। और भाई अगर रात को हम ट्रेन का एक्सपीरियंस बताएं तो भाई बिल्कुल गंदा, कैसे? क्योंकि ट्रेन गंदी थी इसलिए एक्सपीरियंस भी गंदा रहेगा, इतना यार उसके अंदर गंदगी, इतना पूछो मत। और बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे वो नरेश कुमार देंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका भी ट्रेन के अंदर। बहुत बुरा रहा, एक बार लगा जैसे जान जा रही है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन वाले में घुसे, धक्का मुक्की हुई, टीटी से बातचीत हुई, उसने बोला वहाँ पर जाओ, यानी पूरी रात को ना 1-1.5 बजे तक जैसे आत्मा ही घूमती है ना, वैसे घूमते रहे। हाँ भाई भटक रहे थे बिल्कुल, कभी इधर से उधर, रिजर्वेशन तो हमने करवाया नहीं, हमने सोचा भी ऐसा नहीं है कि सीट नहीं थी, बिल्कुल पूरी ट्रेन खाली थी, स्लीपर खाली थी, एसी कोच भी बिल्कुल खाली था, और जो सामान्य डिब्बे आते वो भी खाली थे, लेकिन जो सामान्य डिब्बे थे उसमें यार इतना गंदगी था कि बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर हम स्लीपर कोच में आए तो कुछ देर बैठ रहे, तो वहाँ फिर टीटी आया तो बोला कि हाँ भी टिकट दिखाओ, टिकट दिखाया तो उसने बोला कि यह तो तुम्हारा जनरल डिब्बे का है तो आप उसमें जाओ। तो हमने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर हमें बैठने दो, वहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं आप जिसका टिकट लिया उसी डिब्बे में जाके बैठो। तो हम फिर चले गए वहाँ पे, फिर वो टीटी उतर के जैसे अगला स्टेशन आया तो वहाँ से उतर के वो कहीं और चला गया, तो हम दोबारा उसी में आके बैठ गए। नींद भी नहीं आया यार, पूरी रात जाग के बैठे थे, थोड़ी बहुत देर सोए थे, डर था कहीं कि टीटी दोबारा आ जाएगा तो फिर वो दोबारा से डांटेगा कि फ़ाइन वगैरह ना लगा दे इसलिए। लेकिन क्या करते हम भी, इतना गंदगी था तो बैठना पड़ा ना।
हाँ स्लीपर में जो स्लीपर कोच था उस डिब्बे में ठीक ठाक सफाई थी, अच्छी थी, बट जनरल डिब्बे में बहुत ज़्यादा गंदगी थी यार। ठीक है, अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, और जो भी कोई सिस्टम होगा यहाँ का आपको दिखाएंगे। तो भाई हमने बढ़िया वाली चाय पी के थोड़ा बहुत नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया और वापस रेलवे स्टेशन आ गए। तो यार टाइम पास नहीं हो रहा है, ट्रेन का अभी भी काफ़ी टाइम है। और आपको एक बात और बताना है जो आज की थोड़ी खास है। आज की जो खास बात है वो ये है कि आज मेरा जन्मदिन है, यानी 10 जून को। ये मेरा रियल जन्मदिन नहीं है, रियल तो मेरा जैसे 20 जनवरी को आता है, ठीक है। जिस टाइम मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था उस टाइम घर वालों ने 10 जून करवा दिया, 10 जून को मेरा वो जन्म तारीख करवा दिया। बट मैं दोनों मनाता हूँ यार, वो 20 जनवरी का बना लेता हूँ और आज का भी बना लेता हूँ। आज वाले का दोस्तों को जो 10 जून का पता होता है, घर वालों को 20 जून का है, वो सॉरी 20 जनवरी का। तो कभी कभी कन्फ्यूज रहता हूँ कि कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ क्या कौन सा नहीं। वैसे सेलिब्रेट करता तो नहीं हूँ, फिर भी जैसे दोस्त लोगों को पता चलता है तो बोलते हैं पार्टी दे ये वो। और आज मेरे एक दोस्त उसका भी जन्मदिन है, तो उसको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो अब जो मेरे साथ बैठे हैं वो वहाँ पे, उनको पता नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं उनको जाके बताता हूँ, रियल जन्मदिन तो नहीं है, फिर भी उनको जाके बताता हूँ कि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। ठीक है, देखता हूँ वो क्या बोलते हैं। तो मैं आपको आज की जो खास बात है वो इनको बताता हूँ। आज बताने की बात को ध्यान है, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ ठीक है, मैंने बोला था नहीं पार्टी के लिए बोल रहे हैं, वही हुआ है पार्टी के लिए बोल रहे हैं। अभी तो भाई घर से रोटी लेके आए थे, वही खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले चाय पिया था और उसके साथ थोड़ा खाया था, लेकिन अभी घर से परांठे वगैरह अचार लेके आए थे, अगर उसको ज़्यादा रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जब ट्रेन आएगी उस टाइम। तो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है, ये रही, अभी 7:40 पर चलेगी और वहाँ पहुँचाएगी 11 बजे के लगभग पहुँचाएगी। 3.5 घंटा लेती है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं रामदेवरा यानी रुणेचा धाम, और आप सभी का भी स्वागत है रामदेवरा में। सर यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं होटल या कोई धर्मशाला रुकेंगे। ठीक है, वहाँ से थोड़ा नहा धो के अच्छे से फ्रेश वगैरह होके फिर जो रामदेव जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे और माथा टेक के आएंगे। ठीक है, अभी रूम देखते हैं पहले, कोई रूम में जाने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। तो फाइनली हम अभी पहुंच गए हैं रूम के अंदर, रूम लिया है एसी वाला रूम है और ये धर्मशाला है वहाँ पर लिया है। तो अभी खाना वगैरह भी खा लिया, थोड़ा रेस्ट करेंगे नहा धो के, उसके बाद मंदिर से जाएंगे हम शाम को 4 या 5 बजे के लगभग जाएंगे। अभी गर्मी बहुत है और थक गए हैं, कम से कम हमने 500 किलोमीटर सफ़र किया हुआ है ना, 500 से ऊपर ही है, कम नहीं है, पूरा थक गए। रात को चले थे 9 बजे और अभी पहुँचे 11 बजे, यानी 14 घंटे लगातार सफ़र किया हमने। उसके बाद यहाँ जो रामदेवरा वहाँ पहुँचे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, जो मंदिर की वीडियो है वो अगली वीडियो बनाएंगे उसकी। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।